गुरु कौन है? जानिए गुरु की पहचान कैसे करें? इस युग में जहां स्वयं को गुरु बताने वाले खूब घूम रहे हैं, उन्हीं में से यदि आप सच्चे गुरु की पहचान करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए असली गुरु कौन है, गुरु की पहचान कैसे करते हैं। भारत की भूमि में प्राचीन काल से ही गुरु की भूमिका और उनका आदर करने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। कभी किताबों और ग्रंथों ने तो कभी साकार गुरु ने जीवन में महान कार्य करने में मदद की। पर जितना जरूरी है जीवन में एक सही गुरु का होना, उतना ही जरूरी है एक नकली झूठे गुरु की पहचान करना। क्योंकि बाजार में आजकल स्वयं को तत्वज्ञानी भगवान का दर्जा देने वाले अनेक लोग हैं, जो कहते हैं कि वो भगवान के सच्चे सेवक हैं, और फिर ऐसे ही लोग लोगों के बीच कई तरह अंधविश्वास और भ्रम फैलाते हैं, फिर इंसान की स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ती जाती है। असली गुरु कौन है? गुरु की परिभाषा, जो इंसान को उसके भ्रमों को झूठा बतलाकर उसे सच्चाई से वाकिफ करवाए, उसे गुरु कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जो तुम्हें अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए, वही असल मायने में गुरु है। पर प्रायः गुरु शब्द का ख्याल आते ही हमारे दिमाग में किसी व्यक्ति की छवि प्रकट हो जाती है, लेकिन यह आवश्यक बिल्कुल नहीं कि हमेशा गुरु आपके समक्ष बैठा हुआ हो। बहुत से लोग जिन्हें संसार में कोई सच्चा गुरु नहीं मिलता, वो फिर ज्ञान हासिल करने के लिए किताबों, धर्मग्रंथों, उपनिषदों के पास जाते हैं। इस प्रकार कई बार व्यक्ति को यह भी मालूम नहीं हो पाता कि उसकी आस्था किस गुरु में है। उदाहरण के लिए, उपनिषदों का ज्ञान बहुत लाभदायी है इस संसार में जीवन जीने के लिए, पर चूंकि उपनिषदों की रचना किसी एक विशेष ऋषि द्वारा नहीं की गई, अतः ऐसी स्थिति में इंसान का गुरु कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि वह धार्मिक ग्रंथ हो जाता है जिससे उसने शिक्षा हासिल की है। सच्चा गुरु कैसे चुने? सच्चे गुरु की पहचान क्या है? आप जैसे हैं वैसे बने रहते हुए आप एक सच्चे गुरु की पहचान नहीं कर सकते। जी हाँ, जैसे आप हैं वैसा ही आप गुरु भी चुनेंगे। उदाहरण के लिए, आपके मन में यदि खूब पैसा कमाने और अमीर बनने की चाहत है ताकि आप भविष्य में मजे करें, तो जाहिर है आप किसी ऐसे ही इंसान को गुरु बनाएंगे जो आपके अमीर बनने के सपने को और फैला सके, जो आपको बताए कि कैसे आप कम समय में थोड़ी सी मेहनत करते हुए कैसे अमीरों वाला जीवन जी सकते हैं। और सच्चा गुरु तो वह है ना, जो हम जैसे हैं हमें वैसा रहने ही ना दे। गुरु ऐसा हो ना जो सिर्फ बातें ना करता हो, उसका जीवन भी ऐसा ही हो, जो हमारे भ्रम हमारे अंधविश्वास को मिटाए, ताकि जिंदगी में जो अशांति थी वो दूर हो और हमारे जीवन में समझ बढ़े और शांति आए और हम बेहतर जीवन जी पाए। अब आपको ये देखना है कि कैसे आप जीवन में एक सच्चा गुरु पा सकते हैं, वो गुरु आपको कहाँ मिलेंगे। साकार और निराकार गुरु में अंतर। साकार गुरु वो है जो शिष्य के समक्ष बैठकर ज्ञान देता है। साथ ही व्यक्ति जब गुरु द्वारा रचित किताबों से या उसके किए गए प्रवचनों को सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे साकार गुरु ही कहा जाता है। जीवन में साकार गुरु की बेहद अधिक महत्वता है, क्योंकि हमारा मन तो सदैव बुरे विचारों की तरफ भागता है। ऐसे में साकार गुरु हमें जीवन में भटकने से बचाता है। हम जिंदगी में सही राह पर चले, इसके लिए साकार गुरु हमें जरूरत पड़ने पर हौसला देता है, तो कभी दंड भी देता है ताकि हम सुधर सके। दूसरी तरफ निराकार गुरु किसी व्यक्ति या भौतिक इंसान से नहीं है। जब इंसान को पेड़, वायु, जल, चांद, आसमान इत्यादि को देखकर ज्ञान हासिल होने लगे, तो उस व्यक्ति के लिए प्रकृति में मौजूद यही चीजें उसका गुरु बन जाती हैं। पर जिस तरह का हम जीवन जीते हैं, उसमें निराकार से ज्यादा साकार गुरु से सीखने की संभावना होती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि दोनों गुरु की महत्वता है, लेकिन हम जैसे हैं, जिन परिस्थितियों में हम जीवन जीते हैं, हमारे लिए तो एक सच्चा साकार गुरु होना जरूरी है। हम गुरु की कृपा से और अपनी मेहनत और साधना से यदि ज्ञान हासिल कर लेते हैं। गुरु और भगवान में क्या अंतर है? भगवान वो हैं जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, और गुरु एक माध्यम है जो हमें उनके जैसा बनने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, भगवान एक आसमान है और पंक्षी वो इंसान है जो ऊंचे से ऊंचा उड़कर आसमान को छूने की इच्छा रखता है।
गुरु ही वह साधन है जो इंसान को ऊंचा उठाने का काम करता है, जो उसे कचरे के ढेर से उठाकर उसे साफ सुथरे आसन पर बैठने के लिए प्रेरित करता है। गुरु क्यों जरूरी है? गुरु का जीवन में महत्व। बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के जीवन बेकार। ये पंक्ति गुरु की भूमिका को समझाने के लिए पर्याप्त है। हम इंसान कीचड़ में लतपत पैदा होते हैं, क्योंकि पैदा होते ही एक पशु में जो आदतें वृत्तियां होती हैं, वो सभी हमारे भीतर होती हैं। लालच, डर, वासना इत्यादि एक जानवर में भी होते हैं और इंसान में भी। यहाँ तक कि अगर इंसान को पैदा होते ही जंगल में छोड़ दिया जाए जंगली जानवरों के बीच, तो ये बात जाहिर है कि अगर वो कुछ सालों तक जिंदा रहा तो वो एक जानवर के तौर पर ही बाहर आएगा। पर परमात्मा ने चूंकि हमें जानवरों से विशेष बनाया है, हमें सोचने समझने की बुद्धि दी है, अतः गुरु के पास ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हमें ज्ञान देकर हमें एक पशु से इंसान बनाए।